हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरु जी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि क्लास टेंथ का इंग्लिश का एक चैप्टर है। इसके क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज द केस ब्रॉट बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केस जो है वो ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने क्यों लाया गया, व्हाट वर द रीज़न। ठीक है, इसका आंसर है सिंस द 3 months मैंशनड इन द बॉन्ड पास एंटोनियो फेल टू पे द बोरोड मनी। क्योंकि जो 3 महीने का जो टाइम बॉन्ड पे मैंशन किया हुआ था वो पास हो चुका था, गुजर चुका था, और एंटोनियो वो पैसे जो है पे करने में फेल हो गया था, इसलिए शाइलॉक फाइल्स ए केस अगेंस्ट हिम बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस क्लेमिंग द पेनल्टी ऑफ ए पाउंड ऑफ द फ्लैश ऑफ एंटोनियो। इसलिए शाइलॉक ने केस किया बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस। अब उस केस में क्या हुआ, उस केस में शाइलॉक जो है क्लेम कर रहा है पेनल्टी, और पेनल्टी क्या है, ए पाउंड ऑफ द फ्लैश ऑफ एंटोनियो, 1 pound फ्लैश गोश्त एंटोनियो की बॉडी से। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, हु इज डिस्गाइज्ड एज द लर्न्ड काउंसलर, Why has he come to the court of Venice? अब क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्गाइज मीन्स भेष बदल के। ठीक है, वो कौन है, वो जो लर्न्ड काउंसलर बना है वो असल में कौन है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है Why has he come to the court of Venice? अब वो क्यों आया है कोर्ट ऑफ वेनिस में। इसका आंसर है पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज ए ट्रेंड कंसल्टेंट डॉक्टर बाल्थसर। अब पोर्शिया जो है वो डिस्गाइज में है। ठीक है, एज ए ट्रेंड कंसल्टेंट डॉक्टर बाल्थसर ही केम टू द कोर्ट टू प्लीड एंटोनियोस केस। अब वो आया है कोर्ट में, आया है कि वो पैरवी करे किसके, एंटोनियो के केस की, हु फेल्ड टू रिपे द डेट एंड फेसेस ट्रायल्स। अब एंटोनियो जो है चूंकि फेल हो चुका था वो अमाउंट रिपे करने में, तो इसलिए वो फेस कर रहा अब ट्रायल्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द काउंसलर स्टार्ट हिज आर्ग्यूमेंट And how was he able to get the judgment in Antonio's favor? किस तरह से ये जो काउंसलर है इसने arguments, बहस जो है वो स्टार्ट की, और किस तरह से वो सक्सेसफुल हो गया वो जजमेंट देने में, फैसला देने में एंटोनियो के फेवर में। द काउंसलर बिगिन्स हिज आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ शाइलॉक। अब शाइलॉक के फेवर में फर्स्ट जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो शुरू करता है ये काउंसलर, इन रियल सेंस पोर्शिया, एंड सेज दैट ही इज इन फैक्ट एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज पाउंड। अब वो कहता है कि असल में अब हकदार है शाइलॉक जो है वो हकदार है, ये क्लेम कर सकता है, उसे मिलना चाहिए ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। ही कॉल्स ऑन शाइलॉक टू हैव मर्सी ऑन एंटोनियो इन द सेम ब्रेथ। अब आगे वो क्या कहता है काउंसलर, वो कहता है कि शाइलॉक जो है उसको क्या करना चाहिए, रहम करना चाहिए एंटोनियो पे, रहमदिली दिखानी चाहिए। फिर क्या होता है, शाइलॉक इज नॉट मूव्ड बाय द अपील ऑफ द काउंसलर्स एंड हिज नाइफ कंटिन्यूज टू शार्पन। अब
उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उस पर उस शैलाक पे उस बात का कोई असर नहीं पड़ता है और वो कंटिन्यू करता है उस चाकू को तेज करने में। हाउएवर द काउंसलर टर्न्स द टाइड अगेंस्ट हिम व्हेन ही डिस्कवर्स ए न्यू पॉइंट। अब क्या होता है, बात जो है उल्टी हो जाती है, तो एक उसको नया पॉइंट आ जाता है काउंसलर के माइंड में। ही अर्जिस शैलाक नॉट टू शेड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ एंटोनियोज ब्लड बाई कटिंग ए पाउंड ऑफ फ्लैश आउट ऑफ हिज बॉडी। अब ही रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट अर्जिस मीन्स रिक्वेस्ट, शैलाक शैलाक से कहती है, कहता है कि वो काउंसलर जो कि डिस्गाइज में एज ए पोर्शिया, तो वो कहता है कि एक भी कतरा जो है वो ब्लड का वो नहीं गिरना चाहिए। द काउंसलर टेल्स द कोर्ट दैट इट इज द फ्लैश नॉट द ब्लड मेंशन्ड इन द बॉन्ड। अब ये जो काउंसलर है यानी कि पोर्शिया, अब कोर्ट के सामने बताती है कि बॉन्ड पे सिर्फ फ्लैश का मेंशन है ना कि ब्लड का, सो ब्लड का जो है ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। दिस वाइज फाइंडिंग ऑफ द काउंसलर इनेबल्स हिम टू ऑब्टेन जजमेंट इन फेवर ऑफ एंटोनियो। ये वाइज जो फाइंडिंग जो है, ये अकलमंदाना जो ये बात जो है, इससे क्या हो जाता है, काउंसलर जो है काबिल हो जाता है कि जो जजमेंट मिले उसको किसके फेवर में, एंटोनियो के फेवर में मिले। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर, इसका आंसर भी क्लियर है। नेक्स्ट है, हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग। किस तरह से पोर्शिया जो है अपनी अंगूठी वापस लेती है, इसका आंसर है आफ्टर पोर्शिया वन द केस फॉर एंटोनियो इन द डिस्गाइज ऑफ ए लायर बेसेनियो थैंक्स हर। जब पोर्शिया वो केस जीत जाती है एंटोनियो के खातिर जो कि डिस्गाइज में एज ए लायर थी, ठीक है, उसके बाद बेसेनियो जो है उसे शुक्रिया अदा करने जाता है। ही रिक्वायर्स हर टू, यानी कि रिक्वेस्ट्स हर टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट दैट पोर्शिया रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। अब वो बेसेनियो जो है वो उसे रिक्वेस्ट करता है पोर्शिया से कि ये गिफ्ट जो है वो ले, बट पोर्शिया रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, लेकिन पोर्शिया जो है इनकार कर देती है वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने में। व्हेन बेसेनियो इंसिस्ट्स ऑन हर शी टेल्स हर टू पुट द रिंग ऑन हर फिंगर। अब जब बेसेनियो उसे इंसिस्ट करता है, बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा है इस बात पे अड़ा है कि वो गिफ्ट जो है वो ले, तो पोर्शिया क्या करती है, उसे कहती है कि ये जो रिंग है उसकी फिंगर में डाल दे। बेसेनियो फील्स हेजिटेंट, अब उसको हेजिटेशन हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, अब वो उस फंसा है उसमें, हिचकिचाहट में फंसा हुआ कि क्या वो अंगूठी उसकी रिंग में पहना है या ना। बट एंटोनियो रिकमेंड्स दैट ही गिव इट टू द लॉयर बिकॉज ही हैज़ डन ए ग्रेट सर्विस। सो अब एंटोनियो उसे कहता है कि इसे दे दी जाए वो अंगूठी, क्योंकि पोर्शिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी खिदमत की है। पोर्शिया गेट्स हर रिंग बैक दिस वे, इस तरह से पोर्शिया जो है अपनी अंगूठी जो है वापस ले लेती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द थीम और थीम्स ऑफ द प्ले, इस प्ले के क्या थीम्स हैं वो बयान कीजिए। इसका आंसर है द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर रिवॉल्व्स अराउंड थ्री थीम्स। कौन कौन से तीन थीम्स हैं, लव, सेक्रीफाइस एंड हेट। इस प्ले में तीन थीम हैं, एक तो लव का थीम है, दूसरा सेक्रीफाइस और तीसरा हेट। द बिगिनिंग ऑफ द प्ले डिस्क्राइब्स एंटोनियोज हैट्रेड ऑफ एन ओल्ड ज्यू शैलाक। अब शुरू में, प्ले के शुरू में क्या होता है, एंटोनियो जो है वो नफरत करता है ओल्ड ज्यू, बूढ़ा जो ज्यू है शैलाक, उसके साथ काफ़ी नफरत करता है। वो क्यों नफरत करता है, क्योंकि
वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वसूलता है लोगों से। शाइलॉक हु चार्जेस द नीडी विद ए वेरी हाई रेट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट ऑन हिज लोन मनी। शाइलॉक आल्सो हैज़ ए प्लान टू विंडिकेट एंटोनियोज हैट्रेड। द प्ले आल्सो इम्पेसाइजेज द सिंसियर लव ऑफ बसेनियो फॉर पोर्शिया। अब इसमें क्या है कि लव भी जो एक क्या है थीम है, तो बसेनियो जो है वो प्यार करता है पोर्शिया के साथ, ठीक है। ही वॉन्ट लूज हर बिलाउड एट एनी कास्ट। अब वो उसे खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। सेक्रीफाइस इज अनदर थीम द विच इज रिफ्लेक्टेड इन द प्ले। एंटोनियो इज सेक्रीफाइशियल एपिटोम। अब एंटोनियो जो है अपनी जान भी जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है फॉर द सेक ऑफ बसेनियो हिज फ्रेंड। ही लैंड्स हिज मनी टू द नीडी विद नो इंटरेस्ट चार्जेस। एंटोनियो जो है वो पैसे देता है जो ज़रूरत में ज़रूरतमंद होते हैं उनके उनको पैसे देता है, लेकिन उनसे कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करता है। ही रिस्क हिज लाइफ एंड बोरोज मनी फ्रॉम ए क्रूअल जू फॉर हिज फ्रेंड बसेनियो। दिस ही डज टू सी हिज फ्रेंड विनिंग पोर्शियाज लव। सो ये है थीम लव सेक्रीफाइस और हैट्रेड। आई होप ये क्लियर है आपको।